2028 तक ऐसे फ़ोन मार्केट में आने वाले हैं जिनकी स्क्रीन अगर टूट जाती है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एनालिस्ट का ये मानना है कि ऐसे फ़ोन्स 2028 तक मार्केट में आ सकते हैं। CCS Insight के एनालिस्ट ने ये जानकारी दी है। LG ने साल 2017 में एक कॉन्सेप्ट फ़ोन पेश किया था जिसका बैक पैनल खुद से हील हो जाता था। हालांकि वो स्मार्टफोन कभी भी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नैनो कोटिंग की वजह से हो पाएगा। अगर फ़ोन की स्क्रीन पर स्क्रैच आते हैं तो इस कोटिंग की वजह से डिस्प्ले अपने आप ठीक हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो ये सब अब साइंस फ्रिक्शन नहीं रहा बल्कि हकीकत में ऐसा होने वाला है। हालांकि कंपनियां इस तरह के डिस्प्ले के बारे में लंबे वक्त से बात करती आ रही हैं। LG ही नहीं, कुछ अन्य स्मार्टफोन मेकर्स ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात की थी। साल 2017 में मोटोरोला ने एक पेटेंट फाइल किया था। पेटेंट के मुताबिक स्क्रीन शेप मेमोरी पॉलीमर की बनी हुई थी। पेटेंट के मुताबिक ये स्क्रीन अगर टूटती तो खुद ब खुद ठीक हो जाती। इसके पीछे का आइडिया ये था कि जब स्क्रीन को गर्म किया जाएगा तो मटेरियल खुद को ठीक कर लेगा। इससे पहले एप्पल ने भी एक पेटेंट फाइल किया था। ये पेटेंट फोल्डिंग फोन का था जिसकी स्क्रीन खुद को हील कर सकती थी। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी फोन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। स्मार्टफोन मेकर्स स्क्रीन को लेकर तमाम तरह के प्रयोग कर रहे हैं। फोल्डिंग फोन्स इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरह से रोलेबल फोन भी मार्केट में जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।